हेलो दोस्तों, मैं हूं इस टाइम केदारनाथ मंदिर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है केदारनाथ मंदिर। ये एक बहुत पुराना मंदिर है। अगर आप यहां आए तो दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप यहां पे मंदिर के पास जाके वीडियो नहीं बना सकते, ना फोटो खींच सकते। आपको फोटो और वीडियो उससे दूर रह के बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के बैक साइड में। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जब 2013 में केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो यहाँ तक मलबा गिरा हुआ था, टूटा हुआ था। इन्होंने बाद में, ये देखो आपको लग भी रहा, दिख भी रहा होगा, ये वाला जो पत्थर है ये बाद में लगाया गया है। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर की बैक साइड में, जहाँ पर एक और जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए, दोस्तों मैं हूं मंदिर के पीछे, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है भीमशिला। इस पत्थर को भीम ने महाभारत के टाइम पे अपने हाथों से उठाया था, और यहीं पे पांडव स्वर्ग के रास्ते निकले थे या विलीप हुए थे, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन अपने पुराण बताते हैं कि यहाँ पे आके ही वो लोग स्वर्ग के लिए निकल गए थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो 2013 में जो त्रासदी हुई थी उसके निशान आज भी यहाँ पर है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है, इस मलबे को हटाया जा रहा है। पिछले 7 साल से ये काम चल रहा है। बीच बीच में जैसे जैसे ये कपाट बंद होते थे उस टाइम पे काम नहीं होता है, लेकिन अभी ये काम जोरों पे चल रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे ऊपर आपको हिमालय के ग्लेशियर दिख रहे होंगे, आपको बादल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब धूप निकलती है तो क्लियर मोती की तरह चमकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऊपर जो बैक साइड में जो भीम शिला थी उसके बारे में बताया। अब मैं मंदिर के दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको एक लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। ये एक चीपेस्ट होटल है, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 300 से 500 रुपये में आपको ये होटल अवेलेबल हो जाते हैं। डिपेंड करता है आप किस सीज़न में आते हैं।
अभी आपने देखा केदारनाथ जी की आरती जो कि 6:30 बजे स्टार्ट हुई थी और अभी बुझे 7:30, तो करीब 1 घंटे तक ये आरती हुई है। अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो मेरी वीडियो ज़रूर देखना। अभी हो गया हमारा डिनर का टाइम, भूख भी बहुत लगी, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, थके हुए थे, स्पेशली हम रुके हुए थे आप लोगों के लिए। अभी हम चलते हैं डिनर के लिए। देखो स्टोव पे भैया बना रहे हैं, अभी हमारे लिए आएंगी रोटी जबरदस्त वाली, अपने साधु महाराज। खाना भी कैसे बनता है, स्टोव पे बना देगा ना? आपको थोड़ा सा दे दे भाई, चार खानी चाहिए बस, थोड़ा खट्टा भी होना चाहिए। ये हमारी कैंटीन है, ये हम लोग की कैंटीन है भाई। ठंड में बुरी हालत हो रही, खाना खा, आज इतने टाइम के बाद नीचे खाना खा रहे हम लोग। मैं गर्म पानी दे रहा हूँ दोस्तों। ये है आलू की सब्जी, ये है दाल, ये अचार और ये रोटियां, यही मिला हमें आज डिनर में, और कुछ नहीं है। खाने को ज़्यादा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। चम्मच दे देना भैया।